यकीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर वाफियत होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक एफए करने वाले जितने भी तलबा तलबात हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मार्च 2021 से आपके पेपर शुरू हो चुके हैं, तो आपके मैट्रिक के अंदर जितने भी तलबा तलबात वेरे तालीम हैं उनके लिए मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस पेपर तैयार किए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के जो हैं वो मैंने बना दिए हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो आपको तमाम वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपनी बुक के सिलेबस को रिवाइव करने में और पेपर की तैयारी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर एफ़ए के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी वेरे तालीम तलबा तलबात हैं उनका इस्लामियात का एक कोर्स है जिसका कोर्स कोड है FA 316। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका एक गेस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से एफ़ए करने वाले तमाम तलबा और तलबात अपने इस्लामियात के पेपर को तैयार करने में इंशाल्लाह उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत मुआविन रहेंगे। तो वीव तलबा, ये आपकी पूरी बुक में से 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप इन तमाम क्वेश्चन को अपने पास लिख लें या इनका एक स्क्रीन शॉट ले लें। ये क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा पेपर जो है इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी बुक के इंतहाई अहम तरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल जो कि आपके पेपर के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो है शिर्क और उसकी एक फॉर्म बयान करें। क्वेश्चन 2 है हज के मानी मफहूम आदाब मुनाफिक और फवाइद पर तफसीली नोट लिखें। क्वेश्चन 3 जो अक्सर पेपर में आता रहता है वो है इस्लाम में वालदैन और औलाद के हुकूक बयान करें। ये कभी कभी इस्लाम में वालदैन के हुकूक पर तफसीली नोट आ जाता है, कभी इस्लाम में औलाद के हुकूक पर तफसीली नोट लिखें, तो इन दोनों में से एक के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन 4 जो कि आपके पेपर में अक्सर आता रहता है वो है रिसालत की ज़रूरत व अहमियत और अम्बियाए कराम की खसूसियात बयान करें। क्वेश्चन 5 आपने तैयार करना है इस्लाम में अकीदे आखरत पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, अकीदे आखरत की अहमियत बयान करें। क्वेश्चन 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वक़ात का नफाब और उसके मसाइल बयान करें। नींव इस्लाम के मुआशी निज़ाम में वक़ात की अहमियत बयान करें। क्वेश्चन 7 जमा व तदवीन कुरान पर तफसीली नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, इस पर एक तफसीली नोट लिखें। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इस आयत की तशरीह के अंदर पूरा आपका एक चैप्टर है लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लिखें और हेडिंग वाइज लिखें। क्वेश्चन 9 है इस्लाम में औरत के मकाम पर तफसीली नोट लिखें। तो अजीज़ तलबा याद रखिएगा कि आपका जो पेपर है ना, आपके पेपर के अंदर टोटल 8 सवाल होते हैं जिनमें से आपने 5 सवाल करने होते हैं, हर सवाल 20-20 नंबर का होता है। और जो पहला सवाल होता है आपके इस्लामियात के पेपर में वो कंपल्सरी होता है, लाजमी होता है, और उसमें आपसे आपकी पूरी बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए तैयार की है। आपके हर जो आपकी चैप्टर है ना, चैप्टर के एंड पे खुद आजमाई के नाम से कुछ मुख्तफर सवालात दिए गए हैं, और ओपन यूनिवर्सिटी का जब भी पेपर इस्लामियात का आता है तो उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इन खुद आजमाई के अंदर मौजूद सवालात ही में से उठाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, तमाम खुद आजमाई के अंदर जितने सवालात मौजूद हैं फिर एंड पे उनके जवाबात भी शामिल कर दिए गए हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने वो तमाम सिफात वो तमाम पेजेस यहाँ पे लिख दिए हैं जिनके ऊपर खुद आजमाई के जवाबात मौजूद हैं। आप ये सिफात नोट कर लें, इससे इंशाल्लाह आपकी फारे की फारे जो है ना वो चैप्टर तैयार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका जो पहला चैप्टर है ना, इसके खुद आजमाई के जवाबात पेज नंबर 25 और 26 पे मौजूद हैं। यूनिट नंबर 2 के तमाम सवालात के जवाबात पेज नंबर 60 से 64 पे आपकी बुक पर मौजूद हैं। यूनिट 3 के तमाम सवालात के जवाबात पेज नंबर 89-90 पे हैं। यूनिट नंबर 4 के 115-116 पे हैं। यूनिट 7 के 139-140 पे हैं। और यूनिट नंबर 7 के 166-167 पे हैं। अगली यूनिट के जो जवाबात हैं वो पेज नंबर 203 से 206 पे हैं, फिर 234 से 237 और फिर 267 से 268। इन तमाम पेजेस को आप देखें तो आपकी जो बुक है उस बुक के ऊपर इन तमाम मुख्तफर सवालात के जवाबात मौजूद हैं। याद रखिएगा जो मुख्तफर सवालात हैं उनके जवाबात आपने 2 से 3 लाइनों के अंदर देने होते हैं, उसके अंदर आपने कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं लिखनी होती। तो हर खुद आजमाई के अंदर तकरीबन 6 सात इंपॉर्टेंट सवाल शामिल हैं। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लें तो इंशाल्लाह इससे आपका जो लाजमी क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, वो भी तैयार हो जाएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।